हे भोलेनाथ, आज मैं आपके शरण में आया हूं भोलेनाथ, सिर्फ आपसे एक बात पूछने के लिए। कि कब तक जिल्लत की जिंदगी जिया करूंगा मैं, कब तक कामयाबी की भीख लोगों से मांगता फिरूंगा भोलेनाथ। मैं मानता हूं कि मैं गरीब हूं, मैं मानता हूं मैं गरीब हूं, लेकिन इतना भी गरीब मत बनाओ भोलेनाथ कि मैं अपने आत्मविश्वास खो जाऊं। भोलेनाथ, लोग कहते हैं जिसके पास प्रतिभा होती वो कभी गरीब नहीं होते, लेकिन ये कला की दौलत लेके मैं कहां जाऊं। ये दुनिया तो सारा भरे हुए जेबे को ही सलाम करती है। मैं आपसे एक विनती करता हूं भोलेनाथ, कि मेरे मन में इतनी विश्वास, मेहनत करके आगे बढ़ूं और अपने मां बाप अपनों का नाम रोशन करूं और हर एक गरीब परिवार की सहायता सेव करूं भोलेनाथ। मुझे इतना सा आशीर्वाद देते भोलेनाथ, मैं आपके शरण में आया हूं भोलेनाथ, मैं आपके शरण में आया हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे रोने मत देना, लेकिन आपके सिवा किसी और के आगे सर झुके ऐसे होने मत देना भोलेनाथ। ये दुनिया तो सिर्फ पैसा देखती है, किस इंसान के पास क्या है, कैसी कला है वो नहीं देखती भोलेनाथ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जिंदगी में जब तक मेरे जान है, दम है, मैं ऐसे मेहनत करता रहूंगा और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूंगा और किसी के सामने आपके अलावा सर न झुकाऊं। भोलेनाथ, मुझे इतनी शक्ति दे भोलेनाथ, मुझे इतनी शक्ति दे। अरे सर, मुझे आप रो क्यों हो? आपकी तो शूटिंग है, आपका तो ऑडिशन है। हाय दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप उसे लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आप हमारे वीडियो पे नए आए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन दिए गए सब्सक्राइब का उन्हें जरूर दबाएं और साथ में आइकन बेल भी दिए गए उनको भी जरूर दबाएं, क्योंकि हमारा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।